कैसे हैं? ठीक है। मैं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की जानिब से खुशामदीद। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कराची में जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स, ऑफिसेज एंड शॉप्स, उसके अंदर तेजी की वजह क्या है और उस जो है स्पीड के अंदर फायदे और नुकसान क्या है, यानी कि जो तेजी से बुकिंग और काम हो रहा है उसके अंदर फायदे और नुकसान क्या क्या है। पॉइंट नंबर वन, आप नोट करते चलिएगा कि इन प्रोजेक्ट्स की कामयाबी का राज इनकी क्वालिटी या डिलीवरी नहीं है बल्कि मर्जिंग ऑप्शन है। मर्जिंग ऑप्शन ये होती है कि भाई आपके पैसे जो डूबे हुए हैं बैरिया टाउन में, जो प्रॉपर्टीज आपकी ऑफ ग्राउंड हो गई हैं, उनको आप ले जाके यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ दुकान, कोई फ्लैट, कोई शॉप, कोई ऑफिस बाय कर सकते हैं। तो जो लोग जो कि हज़ारों की तादाद में है, पचासियों हज़ार लोग हैं, कई सारे पेशेंट्स हैं जहाँ पे लोगों के प्लॉट ऑफ ग्राउंड हो गए हैं और सारा साल से उनकी इन्वेस्टमेंट का कोई पुसाने हाल नहीं है, तो वो लोग इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़्यादा अपनी फाइल्स मर्ज करा रहे हैं। और न्यू बुकिंग्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि न्यू बुकिंग्स भी हैं, 20-30% न्यू बुकिंग्स भी हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन प्रोजेक्ट्स में जो स्पीड है, तेज़ी है, एक तो ये कि इसकी लैंड इंस्टॉलमेंट भी मिल रही है, जैसा कि अली ब्लॉक में हुआ और हॉस्पिटल लेने वाले रोड्स में हुआ और कई सारे लिबर्टी कमर्शियल्स में है सिलसिला ये। तो बैरिया टाउन की स्ट्रेटजी ये रही है कि वो किस तरह से विन विन सिचुएशन क्रिएट करे। होपफुली ये बैरिया टाउन के लिए तो विन विन सिचुएशन है, बट क्लाइंट्स के लिए 100% विन विन सिचुएशन नहीं है। इसमें रिस्क और डिसएडवांटेजेस और नुकसान मौजूद हैं। तो जो लोग अपनी फाइल्स इसमें मर्ज करा रहे हैं वो ऑलरेडी इसमें महंगा प्रोजेक्ट महंगे स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से खरीद रहे हैं, क्योंकि जो एक नॉर्मल क्लाइंट के लिए स्क्वायर फुट रेट है और बार्गेनिंग फैसिलिटी मौजूद है, वो एक मर्जिंग वाले क्लाइंट के लिए मौजूद नहीं है। पॉइंट नंबर वन ये था। पॉइंट नंबर टू ये है कि इस आसानी को इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट होने की वजह से और बुकिंग तेज़ी से होने की वजह से नए नए बिल्डर्स इस फील्ड में आ गए हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में एक घर भी नहीं बनाया, तो वो लोग स्पीड में आ गए हैं और वो बिल्डिंग्स की बुकिंग भी कर रहे हैं। ऑफिसेज उनके बहुत अच्छे हैं, रियल इस्टेट का बिल्कुल उनका तजर्बा है, बट कंस्ट्रक्शन में उनका तजर्बा नहीं है। कंस्ट्रक्शन को सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को भी वो एक लो प्राइस पे नॉर्मली दे रहे हैं, और जो न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अमूमन वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो इस पर ये गुमान रहेगा कि आइदर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हो पाएगा या नहीं, उसकी क्वालिटी क्या होगी और जो है वो किस तरह से उसको जो है वो डिलीवर करेगी कंपनी। तो यहाँ पे पॉइंट हमने अपने क्लियर कर दिए हैं कि ये इन्वेस्टमेंट्स रिस्की भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। इन अ केस के वो प्रोजेक्ट सही से बन पाता है, सही से डिलीवर हो जाता है, उसकी प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स बढ़ जाती है, तो आपका मर्जिंग वाला लॉस जो 25-30-40% हुआ आपको मर्जिंग ऑप्शन यूज करते हुए, वो किसी हद तक रिकवर हो जाएगा। बाकी इसमें और कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो जो लोग मर्जिंग कर रहे हैं बिल्कुल करते रहे, उनके लिए तो भाई डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, वो लोग तो करेंगे मर्जिंग या फिर वो रिफंड क्लेम करके हेड ऑफिस के धक्के खाते रहेंगे। तो लिहाजा ये जो हाई राइज प्रोजेक्ट की स्पीड है, इसकी मेन वजह मर्जिंग है, और मर्जिंग जो है वो बैरिया में कभी भी बंद नहीं होगी। सुनने में आता रहता है बंद हो, मगर मेरा ओपिनियन ये है कि वो लास्ट फ्लोर तक बंद नहीं। तो नागरिक आप बहुत सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ओनली रिनाउंड बिल्डर्स, जो फेमस बिल्डर्स हैं, उन्हीं के प्रोजेक्ट्स में मर्जिंग ऑप्शंस को यूज़ करें। हर किस्म के नत नए बिल्डर्स के साथ अपने प्लॉट्स की मर्जिंग में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क फैक्टर को अवॉइड करें और कोशिश करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पर लगे। अब तक की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आगे बढ़ूँगा।